बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, पीएम शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर देश को छोड़ने का मिला अल्टीमेटम। तभी पहुंच गया पीएम मोदी का फोन। बांग्लादेश से सीधे गाजियाबाद में उतरा शेख हसीना का विमान। उधर ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुस गई जनता। इस मुस्लिम संगठन ने पूरे देश में कर लिया कब्जा। मोदी की दोस्त मुस्लिम प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागी। जैसे ही बांग्लादेश से खबर आई, इधर भारतीय सेना अलर्ट हो गई। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर कामयाब हो जाएगा, लेकिन इधर मोदी ने सबसे घातक ऐलान कर दिया। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त सेना उतर गई है। प्रधानमंत्री आवास में छोले भटूरे बनाने वाले घुस गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना ने सिर्फ 45 मिनट दिए। सेना ने कहा कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट है, देश छोड़कर भाग जाओ वरना आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इससे पहले कट्टरपंथी प्रधानमंत्री शेख हसीना को पकड़ पाते, इधर पीएम मोदी का फोन पहुंच गया और उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से विमान शेख हसीना को लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। आज जो हालात बांग्लादेश के हैं, कुछ ऐसा ही 2009 में हुआ था। उस दौरान मनमोहन सिंह ने बचाया, क्या इस बार मोदी बचाएंगे? फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर दिया था। उस दौरान बड़ी संख्या में बड़े सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की हत्या कर दी गई थी। ये बांग्लादेश के इतिहास में सैन्य अधिकारियों के सबसे बड़े नरसंहार में से एक साबित हुआ। शेख हसीना तब 2 महीने पहले देश की प्रधानमंत्री बनी थी और रक्षा विभाग भी उनके अपने हाथों में था। जब उन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने भारत को याद किया और तब भारत ने मदद की। अब सवाल है कि पीएम मोदी क्या करने वाले हैं? इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जमाते इस्लामी वो संगठन क्या है जिसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कुछ दिन पहले जमाते इस्लामी को और उसकी छात्र शाखा को इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। जमाते इस्लामी भारत में पल रहे पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक और कट्टर है। पीएफआई को जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत में बैन किया है, उसी तरह से शेख हसीना ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को बैन कराया। लेकिन हर किसी के पास मोदी जैसी ताकत तो है नहीं जो कट्टरपंथियों को लाइन लगा दे। जमाते इस्लामी ने पहले बांग्लादेश में विरोध किया, जब सरकार नहीं मानी तो शेख हसीना के खिलाफ ही सड़कों पर उतर गए। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में एक राजनीतिक पार्टी है, देश में कट्टरपंथी इसे चलाते हैं। ये राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया। इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से योग्य हो गया। जमाते इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने के मामले में नाम आता रहता है। मानवाधिकार संस्था अमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जमाते इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3,600 हमले किए गए। इसमें जमाते इस्लामी का कई घटनाओं में अहम रोल रहा। शेख हसीना भारत से प्यार करती हैं, भारत की नीतियों पर काम करती हैं। बांग्लादेश मुस्लिम देश है, इसके बाद भी पीएम रहते हुए शेख हसीना ने अपने देश में हिंदुओं को बचाने का काम किया और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई। यही वजह है कि कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में विद्रोह कर दिया और अब तख्ता पलट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने हर मदद करने की बात कही है। बांग्लादेश में इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ की आम जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई है। बांग्लादेश के हालात भी वैसे हो गए जैसे 2 साल पहले श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे का हुआ था। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। अगर बांग्लादेश की मदद पीएम मोदी करते हैं तो दुनिया के 57 मुस्लिम देश भारत के और ज्यादा दुश्मन हो जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बुरे वक्त में पीएम मोदी को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? अगर भारत की सेना बांग्लादेश में होती तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर हालात सुधर जाते, क्या मोदी को दखल देनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।